गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहकान बुटीक। और आज के इस वीडियो में हम 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल के लिए ब्यूटीफुल फ्रॉक बनाएंगे। सो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली मैंने फैब्रिक के पीसेस को अलग करके रखा है। ऊपर की साइड फ्रॉक का बैक पार्ट है और नीचे की साइड फ्रॉक का फ्रंट पार्ट है। ये दोनों ही एक साइड से ओपन है। बैक पार्ट के फैब्रिक की विड्थ 11 इंचेस है और इसकी लेंथ 25 इंचेस है। तो देखिए ये डबल फोल्ड फैब्रिक है, तो 11 इंचेस का डबल 22 इंचेस आएगा। और 22 इंचेस में हम 10 इंच प्लस करके 32 इंच हमने फ्रंट पार्ट की विड्थ ली है। तो देखिए पहले हमें बैक पार्ट की मार्किंग करना है। तो फोल्डेड साइड की तरफ से 5.5 इंच पर शोल्डर का मार्क करेंगे। अब इन स्टेप को ये मार्क पर रखकर 6 इंच पर आर्म होल का मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट का मार्क करेंगे। तो बेबी के चेस्ट 28 इंचेस है, इसका हम 1/4 करेंगे तो 7 इंचेस आएगा। तो 7 इंच पर हम चेस्ट का मार्क लगाएंगे और यहाँ पर 1 इंच लूजिंग का मार्क करेंगे और आधा इंच सिवलॉन्स के लिए मार्क कर लेंगे। आर्म होल में इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो देखिए बॉटम की विड्थ 11 इंचेस है, तो जितनी विड्थ है इसे पूरी ले लेनी है। इन स्टेप को इस तरह रख कर लाइन ड्रॉ करेंगे। बॉटम में ओपन साइड की तरफ से 1 इंच जितना ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई दे देंगे। और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रॉक के बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब इसके नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ हमने यहाँ 2.5 इंचेस लेनी है और 1 इंच पर नेक की लेंथ का मार्क लगाकर गोलाई दे देंगे। और इसे कट कर लेंगे। इसके बाद इन स्टेप को यहाँ रखकर 3 इंच पर मार्क करके 3 इंच जितना ही हमें कट कर लेना है। तो देखिए अब हमने यहाँ फ्रंट पार्ट लिया है, इसकी विड्थ 16 इंचेस है और इसकी भी लेंथ 25 इंचेस है। इसके ऊपर हमें बैक पार्ट के ओपन साइड को और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके ओपन साइड को मैच करके रखेंगे। तो देखिए हमने इसे मैच करके रख लिया है। और फोल्डेड साइड की तरफ से 7 इंच जितना स्पेस है, सो ये स्पेस में हमने प्लेट सेट करना है। और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हम फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेंगे इस तरह से। सो देखिए ये बैक एंड फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट पर इन स्टेप को आर्म होल की तरफ रखेंगे और 5.5 इंचेस पर शोल्डर का मार्क कर लेंगे। तो इसके सेंटर पर और शोल्डर के जो हमने मार्क किया था यहाँ पर लिटिल बिट कट लगा लेंगे। और अब हम इसमें प्लेट सेट करेंगे। तो फोल्डेड साइड की तरफ से 2 इंचेस पर मार्क करेंगे और 10 इंचेस पर लेंथ की मार्किंग करेंगे।
तो देखिए सेंटर की जो हमारी प्लेट है वो 4 इंच की है और 10 इंच तक ही हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो इसे स्टिच कर लिया है और ये प्लेट्स को इस तरह से सेंटर से ओपन करेंगे और इसे दोनों साइड की तरफ इक्वल करके इस पर आयरन कर लेनी है। इसके बाद इन स्टेप को प्लेट के साइड पर रखकर 1 और 2 इंच पर मार्क करेंगे और जो 1 इंच का मार्क किया है इसे इस तरह से पकड़ के अंदर की तरफ 1 इंच जितना फोल्ड करेंगे। इस तरह हमने यहाँ 2 इंच की एक प्लेट ऐड की है। जो हमने बिग प्लेट ऐड की है उसी तरह हम यहाँ इसे भी 10 इंच तक स्टिच कर लेंगे। तो देखिए सेंटर से हमने 4 इंच की प्लेट ऐड कर ली है। इसके बाद दोनों साइड से 2-2 इंच की 2 प्लेट्स ऐड करेंगे तो 12 इंच फैब्रिक हमको प्लेट्स ऐड करने के लिए लगेगा। तो देखिए इस तरह हमने प्लेट्स को ऐड कर लिया है। अब इस पर आयरन कर लेना है। गाइस आयरन करने के बाद बहुत इजीली इसे हम स्टिच कर सकते हैं। देखिए इस तरह हमें प्लेट सरका के यहाँ सिलाई लगा लेना है। इसी तरह हम सारी प्लेट्स को सिलाई लगा कर रेडी कर लेंगे। सो पूरी प्लेट्स को ऐड करके स्टिच कर लिया है। अब इसे सेंटर से फोल्ड करके 2.5 इंच पर नेक की विड्थ का मार्क कर लेंगे। और 2.5 इंच पर ही लेंथ का भी मार्क लगा कर इस तरह से गोलाई दे देंगे और इसे भी कट कर लेंगे। तो देखिए नेक को कट कर लिया है। इसके बाद बैक पार्ट की नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच जितनी स्ट्रिप ली है इसको नेक के राइट साइड पर रख कर स्टिच कर लेंगे। तो स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब इस पर कट्स लगा लेंगे। और स्ट्रिप को बैक साइड की तरफ डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब फ्रंट साइड और बैक साइड के शोल्डर को इक्वली मैच करके स्टिच कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर को भी अटैच कर लिया है। अब पूरे नेक के सर्कल की फिनिशिंग करेंगे। तो उसके लिए 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है। पूरे सर्कल में इसे स्टिच कर लेंगे। तो पूरे सर्कल पे इसे स्टिच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रिप है इसे कट कर लेना है। सो नाउ इस स्ट्रिप को सिंपली डबल फोल्ड करके बैक साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह हमने नेक की फिनिशिंग कर लिया है।
अब इसमें फ्रिल्स को अटैच करेंगे, तो उसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है। इसकी एक साइड की बॉर्डर को सिंपली डबल फोल्ड कर लिया है। तो उसके बाद ये 1.3 इंच स्ट्रिप है, तो देखिए ये डबल फोल्ड है, तो इसकी लेंथ 20 इंचेस है, इसके अकॉर्डिंग ये 40 इंचेस इसकी टोटल लेंथ होगी। इसकी ये वाली साइड पर सिलाई को बढ़ा करके लगा लेंगे। तो सिलाई को बढ़ा करके स्ट्रिप पर लगा लिया है। अब थ्रेड को पकड़ के खींचते हुए इसमें गेदर्स ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें थ्रेड को खींचते जाना है। और इस तरह हमने पूरी स्ट्रिप में गेदर्स ऐड कर लिया है। तो यह हमारी फ्रिल रेडी हो गई है। अब फ्रिल को हम आर्म होल पर रख कर मेजर करेंगे। तो देखिए फ्रिल आर्म होल के अकॉर्डिंग है। तो सिंपली हम यहाँ आर्म होल पर इस तरह से रखकर इस पर सिलाई लगा लेंगे। फ्रिल को अटैच कर लिया है। इसके बाद आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे। तो उसके लिए 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है, इसे आर्म होल पर रखकर स्टिच कर लेंगे। इसके बाद स्ट्रिप को अंदर की तरफ सिंपली डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेना है। इस तरह आर्म होल की फिनिशिंग कर लिया है, इसी तरह दूसरी आर्म होल को भी रेडी कर लेना है। सो नाउ यहाँ मैंने 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है, इसकी लेंथ 19.5 इंच है और ये डबल फोल्ड है। स्ट्रिप को फोल्ड करके इसके ओपन साइड की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है, इसे ओपन कर लेना है। और इसे ओपन करने के बाद स्ट्रिप के एक साइड पर सिलाई लगा लेंगे। एंड नाउ स्ट्रिप को फ्रॉक से अटैच करेंगे। तो फ्रॉक की फ्रंट साइड की प्लेट को हटा कर ऊपर से ऑलरेडी हमने 10 इंच पर मार्क लगा लिया है। अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और सिलाई के साइड से इस पर स्ट्रिप के अकॉर्डिंग हमें कट लगा लेना है। अब इसे बैक साइड पर टर्न करेंगे और इसके अंदर स्ट्रिप को इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। दोनों साइड से हम स्ट्रिप को इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे। अब इसे अगेन फ्रंट साइड पर टर्न करेंगे और स्ट्रिप के दोनों पॉइंट्स को पकड़कर इक्वल कर लेंगे। स्ट्रिप को फिक्स करने के लिए दोनों साइड पर 3-4 सिलाई लगा लेना है। तो फ्रंट पार्ट पर स्ट्रिप को अटैच कर लिया है, अब बैक पार्ट पर भी स्ट्रिप को अटैच करेंगे। तो देखिए ऊपर की तरफ से 10 इंच पर मार्क करेंगे और इसका हम सेंटर मार्क कर लेंगे। सेंटर के बाद से दोनों साइड पर 2-2 इंच का निशान लगाएंगे। और स्ट्रिप के भी सेंटर को निकाल कर स्ट्रिप के सेंटर को और फ्रॉक के सेंटर को मैच करेंगे और दोनों तरफ 2-2 इंच के मार्क तक ही स्टिच कर लेंगे। सो देखिए इस तरह हमने इसमें स्ट्रिप को अटैच कर लिया है और देखिए बेबी के फिटिंग के अकॉर्डिंग हमने मार्क कर लिया है। अब इस पर सिलाई लगा लेंगे और इसकी बॉर्डर को हम सिंपली डबल फोल्ड करके हेम कर लेंगे।
एंड दिस इज द फाइनल फिनिश लुक। सो गाइस इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड ऐसी मोर इजी एंड फैशनेबल डिजाइनर ड्रेसेस की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियोस के लिए हमारे चैनल मेहकान बुटीक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।